दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, दिल राजा, नचले राजा, कलंक जैसे फिल्मों में अभिनय कर 55 वर्षीय माधुरी दीक्षित आज सुबह मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, माधुरी दीक्षित बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री थी और आज सुबह उनके निधन की खबरों ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। बता दें कि श्री राम माधव नैने से 1999 में शादी करने के बाद इंडस्ट्री से माधुरी दीक्षित ने दूरी बना ली थी और तब से उन्हें बहुत ही कम समय ऐसा आया जब देखा गया था, पर अब उनके निधन के बाद फैंस पूरी तरीके से हैरान और परेशान हो चुके हैं। मुंबई की सड़कों पर जाम लग चुका है। बता दें कि माधुरी दीक्षित पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया था और वहीं से एक वार्ड बॉय के अंतर्गत ये जानकारी निकलकर सामने आई कि माधुरी दीक्षित का निधन हो गया है। हालांकि अभी तक उनके निधन की खबरों की पुष्टि न उनके परिवार के किसी सदस्य ने की और न ही किसी बड़े सेलिब्रिटी ने, जिसके तौर पर यह माना जा रहा है कि माधुरी दीक्षित के निधन की खबरें महज अफवाहों के तहत ही फैलाई जा रही हैं। 70 फिल्मों में काम करने के बाद माधुरी दीक्षित ने इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया था, पर माधुरी दीक्षित के फैंस के सामने एक फेक अपडेट ने उनके आगे अंधेरा फैला दिया है। बताया जा रहा है कि माधुरी दीक्षित के निधन की खबरें महज अफवाहों के तहत ही आ रही हैं, पर अभी भी माधुरी दीक्षित मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में ही एडमिट है, ऐसी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, अगर आप भी माधुरी दीक्षित के फैन हैं तो श्रद्धा भावपूर्ण इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए वीडियो के कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून जरूर लिख दें। हमारे इस वीडियो का बनाने का असली मकसद यही है, अगर आपने भी इस तरीके की किसी भी जानकारी को देखा या सुना है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपको कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।